हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशा आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद है मस्त हो गया आप लोग, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे बहुत मन लगा के एकदम अच्छे से कर रहे होगे। बाकी हम लोग यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस लेकर के ही आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। हम लेकर के आते हैं यहाँ पे आपके विक्रम सर लेकर के आते हैं, बाकी आपकी टेक्निकल की क्लासेस आपकी मैम लेकर के आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और साथ ही साथ जो हमारे बेसिक के लेक्चर्स हो चुके हैं जहाँ भी आपको डाउट होता होगा तो आप लोग वहाँ से देख लेते होंगे, ठीक है। और बाकी हमारी एडवांस की क्लासेस चल ही रही हैं, तो मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें भी आप लोग देख रहे होंगे और उस सब चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आती हैं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी कोई भी डाउट हो कहीं भी कुछ भी, आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, और जो भी इश्यूज हो, क्वेरी हो रिगार्डेड आपके पेपर के, उसके बाद फिर आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कहीं डाउट है किसी स्टेप पे वो पूछ सकते हो, तो सारी चीजें आप लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें हम लोग आगे प्रैक्टिस करना। चलो शेयर कर दो, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उससे पहले आप लोग शेयर कर दो और लाइक भी कर देना वीडियो वगैरह को। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक भी करते रहना आप लोग। चलो आज का पहला क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, उसको पढ़ो, ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को कि क्या क्या रहा है। तो ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है, इन्वेस्टिंग 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months ही ज्वाइन देम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000, ठीक है। व्हाट इज बी शेयर इफ द हाफ ईयरली प्रॉफिट इज 4,350। लाइन इस पे ध्यान देना कि हाफ ईयरली प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए करी है, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए की है, ठीक है। तो 6 महीने का इनको प्रॉफिट है ये जो है 4,350, क्लियर है। तो अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे। आपको इसमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये लाइन पे ध्यान देना था कि ये बात हुई है हाफ ईयरली प्रॉफिट, मतलब 6 महीने का प्रॉफिट है ये। अब देखो, देखते हैं हम लोग क्या कि भाई पार्टनरशिप हम में कौन कौन कर रहा है। तो ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए पार्टनरशिप में कितना लगाया है, तो 20,000 लगाया है, 20,000। बी ने कितना लगाया है, तो बी ने भैया 16,000 लगाया है, ठीक है। और सी ने, तो सी आया है 15,000 लगाया है, और आया कब है, तो 3 महीने के बाद आया है, ए और बी जब ज्वाइन किए उससे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, अब बोला है 6 महीने की बात है, तो 6 महीने की बात है, तो ये जो ए है आपका टोटल 6 महीने तक पैसा दिया है, ठीक है, 6 महीने तक इसने इन्वेस्ट किया पैसा। बी ने भी टोटल 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, लेकिन सी अगर आपका कितने दिन बाद आएगा, तो सी आपका 3 महीने बाद आया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट किया कितने का है, तो टोटल 6 महीने का, और 3 महीने के बाद आया, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 महीने का ही उसने बस किया है, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पेक्टिवली ए बी सी का रेशियो आ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ये कितना मिलेगा। अब देखो इसी रेशियो में ये लोग प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, क्यों, जिस आप लोग मान लो किसी कंपनी वगैरह का देखते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी है प्रॉफिट भी तो उसी रेशियो में आपको मिलता है। मान लो किसी भी कंपनी में आपका 20% शेयर है, तो जब प्रॉफिट ओवरऑल आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको जितना आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रॉफिट मिलेगा। बात यही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपने इतना करी है, अब प्रॉफिट भी आपको इसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब क्या करो, देखो कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए 3,0, 3,0, 3,0 ये आपस में कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि भाई आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, कुछ और भी कट रहा है क्या, देखो नहीं, कुछ और नहीं कट रहा है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 40, बी की वैल्यू आ जाएगी 32 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है। तो मतलब ये इनके एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो हमारा आ गया, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट है कितना, 4,350, ठीक है। और यहां टोटल प्रॉफिट कितना है, 6 महीनों का टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, तो 40 + 32 + 15 कर लो, ठीक है, 5, 2, 7 और यहाँ पे 4, 3, 7, 1, 8, 87, ठीक है,
87 ही हो गया। अब इसी 87 टोटल प्रॉफिट की ही वैल्यू क्या दे रखी है आपसे क्वेश्चन में, दे रखी है 4350। ठीक है, क्या दे रखी है 4350, ये ना 4350। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि भाई बताओ कि बी का शेयर इसमें कितना होगा। तो बी हमारे पास है कितना, 32 रुपए है ना। ठीक है, तो 87 की वैल्यू 4350 दे रखी है, तो 32 की वैल्यू बतानी। ध्यान से देखो, ये आपके 50 के मल्टीपल में, 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40, 3 = 43। ठीक है, तो ये 50 के मल्टीपल में है, तो 32 की वैल्यू आपकी जो होगी वो भी क्या होगी, 50 के मल्टीपल में, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 1 = 16। तो 1600 रुपया आपका क्या आ जाएगा, बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ए का इन्वेस्टमेंट अगर आपसे पूछेगा, ए का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तो वो भी आपका टोटल 40 × 50, 5 × 20, 2000 आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं, ए का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा ए बी और सी का। उसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 15, ये भी आपके 50 के मल्टीपल में होगा, 75, तो 750 रुपए। मतलब ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन तीनों का प्रॉफिट का शेयर कितना है, प्रॉफिट किसको आ रहा है, आ जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। इसमें बी का पूछा था तो हमने पहले बी का निकाल लिया, जिसका भी पूछेगा आप लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ आप लोग क्या आएगा आपका आंसर। तो बोला कि अ सम ऑफ 25,000 अमाउंट्स टू 31500। ठीक है, इन 4 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी है आपको बात है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट है कितना, तो भाई टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है ना। ठीक है, अमाउंट आपको गिवन है, टोटल हो कितना गया है, अमाउंट टू 31500, प्रिंसिपल आपका था कितना, तो 25,000। ठीक है, 25,000 माइनस करोगे आपका क्या आ जाएगा, 25,536,6,600 कितना आएगा आप लोग देखो, 6500 ही आएगा ना। ठीक है, 11 से 5 = 6, ठीक है, तो 6500 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम लोग ये वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6500 = प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था, 25,000 इंटू रेट हमें फाइंड आउट करनी है। कितने टाइम के लिए था भैया ये, तो टाइम कितना दे रखा है, 4 साल, इंटू 4/100 कर लो, 00 से 00, ये 1 से 1, ये 5 × 25 = 65,000, ये आप लोग फिर कर दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 30। ठीक है, तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 26/4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, या फिर आपका क्या गया, 2 × 6 = 12, 1 = 13। ठीक है, तो 6.5% आपका रेट यहाँ से क्या आ जाएगा, 6.5%। क्लियर सभी को, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आप पे आ गया होगा। फटाफट से आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले पढ़ो उसके बाद करो। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/5, 3/8 and 9/8। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा रखे हैं, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, आप लोग अच्छे से कर ले जाओगे। मैंने बता रखा है फ्रैक्शन में एलसीएम की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, फ्रैक्शन में एलसीएम की वैल्यू क्या होती है, एलसीएम ऑफ जो भी आपके न्यूमरेटर में वैल्यू दे रखी होती है अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, होता है, अब मैं नहीं लिखवाऊंगी, मुझे उम्मीद है वो सारी चीजें आप लोग को पता होंगी। देखो फ्रैक्शन है क्या, 4/5, 3/8 and 9/8। वेट, 3/8 है कि 3/8 कुछ और है, 3/8 ही है। ठीक है, अब आपसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ क्या होता है, 3 अगर आपको फ्रैक्शन है तो क्या होता है आपको एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी कॉमा ई अपॉन
HCF ऑफ बी कॉमा डी कॉमा एफ, फिर से मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर पूछे आपको HCF ऑफ ए कॉमा बी, ये क्या हो जाएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है दैट इज ए सी ई अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर में है दैट इज बी डी एफ, ठीक है। याद करने का तरीका, अगर ऊपर LCM है तो ऊपर होगा क्या आपका LCM ऑफ न्यूमरेटर वैल्यू अपॉन डिवाइड कर दोगे किससे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू। सेम वे में अगर HCF ऑफ पूछा फ्रैक्शन तो पहले आप क्या निकालोगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर, उसको डिवाइड करोगे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर। अब आपसे देखो क्या पूछा है, तो आपसे LCM पूछा है, तो LCM क्या होगा आपका, तो LCM ऑफ 4, 3, 9 अपॉन HCF ऑफ 5, 8, 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा LCM ऑफ दिस वैल्यू, क्या हो जाएगी 9×36 अपॉन 5, 8, 8 का HCF क्या आएगा 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां से 36, क्लियर सभी को, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया होगा, उसको देखो फटाक से, जल्दी से करो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं, तो इफ क्या है 484 इन ब्रैकेट 25 डिवाइडेड बाय x, और ये भी आपका अंडर रूट में है, इज इक्वल टू क्या गिवन है 22, देन आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कैसे करोगे जल्दी बताओ, कैसे करोगे, तो क्या करो स्क्वायर कर दो पहले, क्या करो पहले इस इक्वेशन को, इस जो भी गिवन है दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका अंडर रूट हट जाएगा, दैट मीन्स 484 25 डिवाइड बाय x, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो 484 ही होता है, ठीक है 484 होता है। अब देखो इधर भी 484 इधर भी 484 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायरिंग है, ठीक है, फिर से आप लोग स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, अब एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 25, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, फट से आ जाओ। क्वेश्चन आपके आ गया होगा, आप लोग जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर बताओ आंसर क्या आएगा। द रेलवे प्लेटफॉर्म एट एल स्टेशन इज 238 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स इट इज क्लियर्ड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन विच इज 162 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। अब देखो रेलवे प्लेटफॉर्म एट दिल्ली स्टेशन इज, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दे रखी है 238, ठीक है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 162, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म लेंथ दे रखा है 238 मीटर में है, ये प्लेटफॉर्म है सपोज, ठीक है, और ये आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है 162 मीटर। अब पूछ रहे हैं कि कितने देर में इस स्पीड से ट्रेन क्रॉस कर लेगी, तो बताओ ट्रेन अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कब क्रॉस मानी जाती है, तो देखो ये सपोज आपका प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहां से ऐसे आती है, ठीक है, आई ट्रेन, अब देखो ट्रेन यहां से आई, इसने जो है पूरी पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर की, ठीक है, प्लस ये अब इसकी अपनी लेंथ हो रही है, तो अपनी लेंथ मतलब यहां इस कंडीशन में
तो बताओ इस कंडीशन में ही तो बोला जाएगा ना कि भाई हाँ ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ और प्लस अपनी लेंथ दोनों ट्रेवल कर रही है, ये चीज क्लियर हुआ। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गया कि ट्रेन जो है अपनी भी लेंथ ट्रेवल कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ ट्रेवल करेगी, क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें भी मैंने अपने बेसिक के लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन खुद की अपनी लेंथ ट्रेवल करेगी, और अपॉन टाइम यही हमसे पूछा है। तो देखो क्या हो जाएगा, स्पीड हमें दे रखा 120। अब देखो ये मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में, हम इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है। अब देखो ये आप लोग ऐड करोगे 238 प्लस 162 अपॉन टाइम, टाइम आपका क्या आ जाएगा, पहले हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, 8 2 10 6 3 9 1 10 2 1 3 1 400 अपॉन 120 गुड़े 5 × 18, ये 18 ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 6 10 4 3 12, ठीक है, 3 3 6 18 और ये 5 2 10 6 2 12, टाइम कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। मतलब ट्रेन जो है इस स्पीड से 12 सेकेंड में इतने प्लेटफॉर्म लेंथ की और इतने ट्रेन की अगर लेंथ है तो 12 सेकेंड में ट्रेन उसको क्रॉस कर लेगी, क्लियर। आगे बढ़े, सभी को क्लियर है ना, इसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द मीडियन ऑफ 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 and 8, ठीक है। चलो हम लोग डेटा लिख लेते हैं, क्या है आप लोग बताओ क्या आएगा, 13, 12, 20, 11 और है कुछ 15 and 8, ठीक है, 15 and 8, ठीक है। अब आपको इसका क्या क्या करना है, मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए पहले हमको इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले अरेंज कर लेंगे, क्या है पहले हमारा आएगा 7, फिर आएगा 8, 9, 10, फिर 9, 10 है नहीं तो 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16, 17, 18, 19 है नहीं तो बचा क्या 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इक्वल आ गए। अब पूछा क्या है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे क्या है, पहले 8 है जो कि आपका इवन है, तो इवन के केस में आपका मीडियन क्या होता है, तो एन बाय 2th टर्म प्लस एन बाय 2 प्लस एन प्लस 1th, मतलब उससे n by 2th टर्म से जस्ट एक आगे वाला टर्म अपॉन 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ये आपका मीडियन आ जाएगा। अब देखो टोटल है कितना, तो 8 है, ठीक है, 8/2th टर्म प्लस 8/2th प्लस 1th नेक्स्ट टर्म, डिवाइड कर दो इसको 2 से, ठीक है, तो यहां पे मतलब 4th टर्म प्लस 5th टर्म, 2 × 4 प्लस 1 नेक्स्ट मतलब 5th टर्म डिवाइड बाय 2, क्या जाएगा आपका, देखो 4th टर्म है क्या, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5th टर्म है, ठीक है, तो मतलब 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 25, 12 × 3 = 25, 3 × 2 = 5 और 1 × 2, ठीक है, तो क्या जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 5, 2 × 5 = 10, 12.5, इसका आपका मीडियन क्या आ जाएगा 12.5, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो अगर यहीं पे ऑब्जर्वेशंस आपका ऑड होता तो मिडिल वैल्यू ही आपकी क्या हो जाती, इसकी मीडियन वैल्यू हो जाती, ठीक है। चलो आगे बढ़े,
सम के केस में फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अगर ऑड होंगे ऑब्जर्वेशंस तो आप लोग मिडिल वैल्यू ही इसकी मीडियन वैल्यू हो जाएगी। और बाकी आपको पता है मोड क्या होता है, तो मोड आपका होता है जो सबसे बार मैक्सिमम अकरेंस आता है, ठीक है। और मीन भी आपको पता है क्या होता है, मीन आपका एवरेज ही एक तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 166 सो दैट द सम लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 ऑन डिवाइडिंग बाय ईच 4, 6, 9 एंड 15, ठीक है, 4, 6, 9 एंड 15। तो क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? देखो हिंदी में पढ़ लो, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 166 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 4, 6, 9 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेषफल ज्ञात होता है, ठीक है, 3 शेषफल बचता है जो भी है। तो पहले ये बताओ वह छोटी से छोटी संख्या होगी क्या जो 4, 6, 9 एंड 15 से डिविजिबल हो? तो 4, 6, 9 और 15 कौन सी होगी? तो इनकी एलसीएम वैल्यू हुई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ये ऐसी संख्या होगी जो इन चारों से कटेगी। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 × 3, यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, 4 × 4। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा यहां से, 180। एलसीएम हमारा आ गया 180, ठीक है। अब देखो 3 रिमाइंडर बनना चाहिए, तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए तो मतलब 183 ऐसी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, रिमाइंडर जो बच रहा है भाई। 180 जो है इन चारों नंबर से टोटल कट जाएगी। अब 183 है आपका क्या इस केस में, आपका चारों से जब आप काटोगे तो हर केस में 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब बोला है कि 166 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये आपका 183 आए, क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है। अब क्या ऐड करोगे, 183 - 166 कर दो, 13 में से 6 गया 9, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1। तो आप लोग 19 संख्या ऐसी ऐड करोगे, 19 ऐसा, एक मिनट रुक जाओ, हमने सही करा है कि नहीं, देखो 13 में से 6 गया 4, 5, 6, 7, एक मिनट रुक जाए, 13 में से 6 जब मैं माइनस कर रही हूं तो 9 क्यों लिख रही हूं, 17, ठीक है। अब सही है, देखो 17 सही है ना, ठीक है। तो मतलब 17 नंबर ऐसा आप माइनस करेंगे कि हमें जो नंबर प्राप्त होगा इसे इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें हर केस में 3 आपका शेषफल बचेगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, देखियोगे आप लगभग हर सेट में आया हुआ है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया। तो राम इन्वेस्टेड 42,000 इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ही सोल्ड 1/3 ऑफ द टोटल शेयर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। He sold the remaining share at 10% loss, ठीक है। Then how much did Ram lose? तो राम को टोटल कितना घाटा हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो राम भैया है कितना इन्वेस्ट करा, टोटल 42,000 रुपए, 42,000 टोटल इन्वेस्ट कर रहा। अब 1/3 को कह रहा राम, he sold 1/3 of the total share at 10% profit। तो जब ये इतना इन्वेस्ट किया उसने, ठीक है, अब 1/3 को क्या किया उसने, 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। बचा कितना हिस्सा, तो 2/3 उसको क्या किया, 10% लॉस पे बेचा है, ठीक है। ओवरऑल उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है यही आपको बताना है। तो 1/3 ऑफ 42,000 क्या हो जाएगा, 42,000 और इसका 10% मतलब 111/10 यही होगा ना, ठीक है। तो आप लोग फाइंड आउट कर लो, 0 से 0 3 से कितने बार में, 44, 42, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 4, 5 और ये 15,400, ठीक है। तो पहला आपका जो पार्ट कितने में बेचेगा, अगर उसको 10% प्रॉफिट चाहिए तो 15,400, ठीक है। अब देखो दूसरा 2/3 है इसका, तो 2/3 ऑफ 42,000 और इसको 10% लॉस पे बेच रहा, मतलब बेच कितने पे रहा है, तो 9/10, ठीक है। परसेंटेज वाले आपको पता है ना, मैंने करा रखा, आप लोगों को बहुत अच्छे से वहां पे देख लेना, 0 से 0 14, ठीक है। अब देखो आप लोग ये सॉल्व करो, 2800 × 9, ठीक है, 972 हाथ में आया 7
और 9 दुनी 18 और 18 और 7, 7 14 15 ठीक है, तो 25 कितना आ गया आपका 25200 ठीक है, सही है ना, देख लो अनौठे 72 हाथ में ऐसा और 9 दुनी 18 और 18 8 क्या होता है 26 1 कम 25 ठीक है। तो यहां पे इसने 25200 में बेचा ठीक है, तो 42,000 टोटल इन्वेस्टमेंट था, एक को बेच रहा है इतने में तो टोटल सेल कितने में किया, वो टोटल सेल कितने में किया, तो 15400 प्लस 25200 ऐड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 00 और ये 4 2 6 5 5 10 2 1 3 1 4 ठीक है, ये हमारा टोटल सेल कितना में हुआ ठीक है। अब देखो खरीदा था जो है उसका था कितना इन्वेस्टमेंट 42,000 था, उसको वापस रिटर्न कितना मिला तो 40,600 मिला ठीक है, तो लॉस कितना हुआ तो 42,000 टोटल इन्वेस्टमेंट था उसको मिल कितना रहा 40,600, लॉस कितना हुआ 00 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचा कितना एक, तो 1400 रुपए का टोटल लॉस है, कितने का लॉस है 1400। अब आपसे पूछा क्या परसेंटेज, नहीं आपसे पूछा कितने रुपए की ही हानि हुई, तो 1400 रुपए की उसको क्या हुई हानि हुई, 1400 रुपए का लॉस हुआ। क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, उसको देखो जल्दी करो आंसर बताओ आप लोग क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 इन 2 ईयर एट 8% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं बताओ जल्दी सक्सेसिव से ठीक है। अब देखो 8% बोल रखा है ठीक है, 8% फ्रैक्शन वैल्यू 8% की 2/25 ठीक है, मतलब पहले साल में 25 अगर आपका है रुपए तो उससे 8% से बढ़ा कितना बढ़ा 2 ठीक है, तो कितना जा रहा है 25 प्लस 2 दैट मीन 27 हो रहा है ठीक है, बाद कितना हुआ है 2 साल का हुआ है तो दूसरे साल भी भैया 8% से ही बढ़ रहा है, मतलब दूसरे साल भी क्या हो रहा है 25 से 27 हो जा रहा है ठीक है। अब देखो टोटल ये हमारा क्या था प्रिंसिपल, ये हमारा टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट होता है 25 आए 625 और ये 27 × 27 729 ठीक है, ये आप लोग याद कर लो ये होता है। अब देखो पूछा क्या है आपसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अब देख लो ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, इंटरेस्ट कितना होगा तो सीआई होगा आपका इनका डिफरेंस ठीक है, इनका डिफरेंस। अब देखो क्या होगा, 9 में से 5 गया 4 2 में से 2 गया 0 7 में से 6 गया 1 मतलब यही हो गया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल 625 नहीं है, 625 नहीं होकर के क्या है 20,000 है, मतलब 625 की वैल्यू क्या है आपकी 20,000 है, तो आपसे 104 की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी ठीक है, तो क्या होगी 20,000 अपॉन 625 मल्टीप्लाई कर दो 104 से ठीक है। अब देखो कट रहा है किससे, 25 आई 625 और ये 25 से कितने बार में 2 अलग रख दो इंटू अगर 100 कर दोगे 25 × 100 ठीक है, अगेन ये 00 किससे कट जाएगा 25 × 100 तो आपका क्या हो जाएगा 32 × 104 या फिर आप क्या कह सकते हो 3200 करोगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 तो 3200 प्लस 4 × 8 = 12 दैट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा, आगे ही मैं लिख देती हूँ 3328 आपका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, तो 33-28 रुपए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर सभी को, समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो आप लोग क्या कह रहे हैं, सिंपल सा है एक्स की वैल्यू बतानी है आपको ठीक है, ये तो आप लोग कर ही ले जाओगे। कुछ यू एक्सप्रेशन है ठीक है, 1/625। अब देखो ये है क्या, तो भाई ये रेशियो है ठीक है, तो रेशियो का रेशियो है, डबल रेशियो ध्यान देना, इसका यही तो मतलब हुआ 1/25 / 1/x = 1/x और अपॉन टोटल में 1/625।
यही तो मतलब हुआ, ठीक है। अब आपको पता है ये a बाई बी, अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25, ये आपका x ऊपर चला जाता है और ये नीचे, तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, ये 625 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 1, ये होता है, ऐसे ही सॉल्व होता है ना, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और गुड़े 625 हो गया, ठीक है। तो आप देखो अगर इसका अंडर रूट लो क्या जाएगा, आपका अंडर रूट लोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब ये हो जाएगा 5 और ये 25 का स्क्वायर 625, तो यहां से कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 × 25 = 125, आपके यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, यही आपसे पूछा था, आपकी वैल्यू आ गई 125, क्लियर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, देखो आप लोग उसको क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ करो आप लोग। अच्छा देखो अब आपसे पूछा कि अर्थमेटिक मीन बताना, इसमें मीन एवरेज होता है, क्या करोगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन आपका यही होता है। अब देखो डेटा क्या लिख गिवन है, तो हम लोग लिख लेते हैं 36, 53, 36, 53, 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
40 57 और फिर क्या था 50 40 35 35 और क्या था 39 और 34, ठीक है। तो प्लस 39 और ये 34 था, ये आपके ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। एक बार देखो मैंने सही लिखा है। अब आपको पता है क्या मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्व आ रहे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 36 + 53 प्लस 50 + 43 + 57 प्लस 50 + 40 + 35 + 39 + 34, ठीक है। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपके ऑब्जर्वेशन थे ना, यहाँ पे भी देख लो 10 है क्या नहीं क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ भी आपके 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब इसको देखो सम करो टोटल, तो सम करते हैं हम लोग, ये देखो 57 और 40 कितना होगा 43, 57 और 43 7 × 10 5 × 9 = 10 ये हो गया आपका टोटल 100, ठीक है। ये 50 और ये 50 टोटल हो गया 100, और क्या हुआ आपका देखो यहां से आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। और ये 34 और ये 36 हो गया 70, ठीक है। और आपका कुछ और हो रहा है, और ये 70 और 40 क्या हो गया सच्चाई क्या 110, ठीक है। तो आपका 100 200 और यहाँ पे 110, तो 310 ये हो गया, और प्लस आपका बचा क्या क्या, ये 36 वाला बचा नहीं, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। हमारा बचा क्या क्या, तो हमारा बचा है 53 35 और 39, ठीक है। अब देखो 39 और 41 50 40 और 50 90 2 92, ठीक है। 92 और प्लस 35 अपॉन 10 ऐड कर लेना, ये जस्ट ऐड करना था, आप लोग जैसे भी कर लो। अब 5 2 7 और यहाँ पे 9 10 3 13 और यहाँ पे 3 1 4, तो 437/10 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका मीन 43.7, क्या जाएगा आपका मीन 43.7, क्लियर है। तो आप लोग को बस जस्ट सम करके डिवाइड करना था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ फटाक से, नेक्स्ट पे देखो क्या कह रहा आपका, हाँ, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स ₹154 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एट 10% पर एनम। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या बोला कि दूसरे साल आपका ये जो दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का बोला है कि दूसरे साल में 154 मिल रहा है, दो साल में पूरा नहीं, सिर्फ दूसरे साल में, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, ट्री मेथड से, ठीक है। अब देखो 10%
दे रखा है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, टाइम दे रखा है 2 साल, ठीक है। अब देखो ट्री मेथड में हम लोग क्या हम लोग मानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो जो आपका ये नीचे गिवन है ना, अगर 2 साल है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, उसके पावर 2 कर देंगे, 3 साल रहेगा तो 10 की पावर 3 कर देंगे, 4 साल रहेगा तो 10 की पावर 4 कर देंगे, मतलब जो आपका अंश और हर होता है ना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो आपकी वैल्यू होगी टाइम जितना भी दे रखा होगा उसकी पावर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने मान लिया 10 की पावर 2, दैट मीन्स 100, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। अब पहले साल आपका 10% की रेट से, मतलब 1/10 कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा, दूसरे साल 10 रुपए, ठीक है। अब दूसरे साल आपका जो ये 10 रुपए पहले साल मिला उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है, ठीक है, इसपे 1/10 कितना मिला, 1, ठीक है। अब देखो ये हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये हमारा है सेकेंड ईयर का ब्याज, बोला जो सेकेंड ईयर का टोटल ब्याज है तो यहाँ पे मिला कितना सेकेंड ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना मिला, तो 10 + 1 = 11 रुपए। अब 11 रुपए की ही वैल्यू आपको क्या गिवन है, 154 दे रहा है ना, हाँ, विच इज रुपए 154, तो 11 की वैल्यू 154 है, कितने के मल्टीपल में है, तो 11 × 11 = 14, ठीक है, 14 के मल्टीपल में है। अब आपसे पूछा क्या है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल हमने क्या माना था 100, तो 100 वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका 14 के मल्टीपल में हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा 1400 रुपीज, ठीक है, 1400 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आया, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है, ट्री मेथड फॉलो करना है, सक्सेसिव फॉलो करना है, या आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए और ये चीजें आपके प्रैक्टिस से ही आएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूं, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, बाय हाउ मच इज 2/3 of 3000 मोर देन 2/5 of 1500, जस्ट इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ रहा है कि 2/3 of 3000 कितना ज्यादा है किससे, तो 2/5 of 1500, ये 15 है, तो मतलब ये कितना ज्यादा है इससे, माइनस कर दो, ठीक है, कर लो आप लोग सॉल्व, 1000 दैट इज 2000 15 600, आपका क्या जाएगा 1400 रुपए, क्या जाएगा आपका 1400, मतलब एक मिनट सॉरी रुपए नहीं, तो मतलब ये हो जाएगा कि 1400 ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे रुपए की बात नहीं है, जो भी चीज पूछ रखा आप उसके अकॉर्डिंग कर दोगे तो पता चल जाएगा आपको कितना ज्यादा है, 1400 ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो आपके ना आप एक चीज देख पा रहे होगे कि मिक्स्ड वैरायटी रहती है क्वेश्चन की, इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, थोड़े से टिपिकल भी रहते हैं, तो आप लोग मिक्स प्रैक्टिस करो जो हम लोग लेकर के यहाँ पे आते हैं, अगर आप उतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग का आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 and 4 इन द नंबर 6, 8, 3, 4, 7, 9, ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो देखो पूछा है क्या, 6, 8, 3, 4, 6, 8, 3, 4, 7, 9, ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछा क्या है कि भाई बताओ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 4, ठीक है। तो देखो 4 हमारा कहाँ है, यहाँ, 8 हमारा कहाँ है, यहाँ, ठीक है। अब बताओ 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो एक तो लिख दो 4, इसके बाद में जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दो, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, जितने 0 लगा दो, ये आपका 4 का प्लेस वैल्यू हो गया। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तो लिख दो 8, इसके बाद कितने अंकित, 1, 2, 3, 4, तो 4 0 लगा दो, ठीक है, तो ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया 8, ठीक है, और ये प्लेस वैल्यू हमारा 4 का। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस आप निकाल लो, 80,000 - 400, 00, 10 में से 4 गया 6, 9 और ये 7, कितना आ जाएगा 7, 9, 6, 00, सभी को क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया है, आप उसको देखो,
इसके पहले के लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो मैंने अच्छे से बताया होगा कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, जो भी नहीं देखा वहां से देख सकते हो, बाकी प्लेस वैल्यू तो यहाँ भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ राम रोहित एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, राम रोहित और श्याम है भाई, ये राम है प्लस रोहित और प्लस श्याम टुगेदर मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, अरे राम नहीं है, रामू है। चलो ठीक है, रामू राम जो भी है। नेक्स्ट क्या होता है, रामू अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 16 डेज। तो रामू जो है अकेले 16 दिन में उसी काम को कर रहा है और रोहित जो है 24 दिन में उसी काम को कर रहा है। एक मिनट, रोहित एंड श्याम है कि सिर्फ रोहित इन 24 डेज। ठीक है, तो रोहित ही उस काम को 24 दिन में कर रहा है। अब पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में कि श्याम उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसमें पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क है कितना, भाई टोटल वर्क डन कितना है। ठीक है, फिर हम लोग रामू रोहित और इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जो कि होती क्या वन डे वर्क इन दोनों के, इन लोगों के द्वारा किया गया 1 दिन का काम ही क्या हो जाता है, उनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी हो जाती है। यहां से हम लोग पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन है आपका उसकी एलसीएम वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, एलसीएम वैल्यू निकाल लो आप लोग, क्या है ये है 24, 6 चौके 24, 8 3 के 24 और 8 2 16। ठीक है, मतलब 24 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 1 = 72। ठीक है, तो आपका 72 एलसीएम वैल्यू हो जाएगा। 48 है ना। ठीक है, तो 48 आएगा आपका एलसीएम वैल्यू, मतलब टोटल वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा 48 16 3 48 8 6 48। ठीक है, अब ये रिस्पेक्टिवलीज इनकी इफिशियंसीज हैं। ये क्या है हमारी इफिशियंसीज, मतलब क्या है कि रामू रोहित और जो भी आपका नेक्स्ट श्याम 6 दिन हर एक दिन 6-6 काम करेंगे, टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से रामू अकेला हर दिन 3 काम करेगा तो 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, रोहित हर दिन 2 काम करेगा तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रामू यहां पे लिख देती हूं मैं, रामू प्लस रोहित प्लस श्याम इनकी इफिशियंसी, वन डे इफिशियंसी क्या है टोटल, यहाँ पे 6 है। ठीक है, बट रामू की अकेले क्या है तो ये भी हमने निकाल रखा है 3 है। उसी तरीके से रोहित की क्या है 2 है। यहां से हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे श्याम की इफिशियंसी क्या है, तो श्याम की इफिशियंसी हमने निकाल ली 6 − 3 − 2 = 1। ठीक है, श्याम की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब श्याम को यही काम करने में कितना दिन लगता है तो हमें पता है क्या होता है, इधर चलो मैं लिख देती हूं, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज ये हमें पता करें कितने दिन में श्याम कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क डन है क्या, कितना हमारा 48, काम कराना किससे है तो श्याम से, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 1 / 1, कितना दिन लगाएगा टोटल 48 डेज। श्याम उसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 48 दिन लगाएगा। क्लियर सभी को, समझ में आई बात, सभी को क्लियर है ना। ठीक है, तो चलो फिर आज हम लोग यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कर देना इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जो भी नए हो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है, चलो बाय।